हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वाले लेक्चर में आप सबको मैंने एक इनर्शिया की प्रॉपर्टी बताई थी। मुझे अच्छे से पता होगा कि आप लोगों ने उस प्रॉपर्टी को घर पे किया होगा सबने। तो आज उसी टॉपिक को अपन समझेंगे, उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो अपना टॉपिक है वो अपन करते हैं। तो अपने टॉपिक का नाम बेटा इनर्शिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? देखो, इट इज inability of a body to change its state of rest, state of motion and state of direction. Simple शब्दों में अगर अपन इसको बोलना चाहें तो, लेकिन अपन इसको बहुत आराम से धीरे धीरे समझते। देखो, कोई भी बॉडी होती है किसी न किसी स्टेट में तो होती है। मान लो कोई बॉडी है कहीं पर रखी हुई है तो बॉडी इज एट रेस्ट। कोई बॉडी कहीं मूव कर रही है तो बॉडी इज इन मोशन। कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो बॉडी इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हर एक बॉडी का अपना पार्टिकुलर स्टेट होता है जिसमें वो मौजूद रहती है, जिसमें वो प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, तो उस स्टेट से उस बॉडी को दूसरे स्टेट में ले जाना, मान लो कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसको आप मोशन में ले जाना, तो अपने आप मोशन में नहीं जाती। समझ रहे? कोई बॉडी मोशन में है तो अपने आप रेस्ट में नहीं आती है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने वो जो रेजिस्टेंस मिलता है, जो अपने आप नहीं हो पाता है, उसे अपन कहते हैं इनर्शिया। समझ रहे बेटा? तो इनर्शिया की सिंपल डेफिनेशन अगर अपन बोलेंगे, आप लिखेंगे तो ये क्या बेटा, इट इज इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की इनएबिलिटी है टू चेंज इट्स स्टेट। खुद के स्टेट को चेंज करने की जो इनएबिलिटी है उसे क्या कहते हैं अपन बेटा, इनर्शिया। दैट इज नोन एज इनर्शिया। ये आप इन जनरल आप में भी होता है। अगर आप मतलब जैसे जो आपका नेचर है उसको चेंज आप आसानी से नहीं कर सकते। आपको गुस्सा ज्यादा आता तो आएगा ही, समझ रहे हो? आपको गुस्सा नहीं आता तो नहीं आएगा। तो ये वो एक तरह से आप खुद पे लेके भी इसको सोच सकते हैं। सो इट इज इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट, है ना। अब स्टेट कुछ भी हो सकता है, स्टेट मे बी ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, समझ रहे हो? सेकेंड इज स्टेट ऑफ मोशन, और मोशन के अंदर ही आ जाता है डायरेक्शन। समझ रहे बेटा? तो कोई भी स्टेट रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, अपने आप जो है बॉडी चेंज नहीं कर सकती है। समझ रहे बेटा? उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, इनर्शिया। ठीक है, तो दैट इज इनर्शिया। अब आप इसको नोट कर सकते हो सारे के सारे बच्चे। अब देखो बेटा, इनर्शिया की जो टाइप्स है ना, कि भाई इनर्शिया के टाइप्स क्या होते हैं। इनर्शिया क्या है? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, है ना। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया, नेक्स्ट इज टाइप्स। तो सबसे पहले टाइप्स देखते हैं अपन, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में अगर अपन सोचते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। समझ रहे बेटा, है ना। मतलब ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। समझ रहे बेटा? अपने आप कोई भी बॉडी रेस्ट से मोशन में नहीं आती। समझ रहे? आप लाने की कोशिश भी करेंगे तो उसका अपोज करेगी, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। एक बॉडी रेस्ट में है जो रेस्ट में ही रहेगी, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे मैं आपको नॉर्मली समझाता हूं, समझ रहे हैं? जैसे आप एग्जाम्पल अपन देखते हैं, देर आर मेनी एग्जाम्पल्स। सी, जैसे कोई बस होती है ना, और बस के अंदर बस स्टैंडिंग, बस खड़ी हुई है और बस अचानक आगे की तरफ चलती है ना। मान लो कोई भी बस है और बस अचानक आगे की तरफ चलती है तो जो उसमें बैठे जो पैसेंजर होते हैं उनको पीछे की तरफ जर्क लगता है। आप खड़े होते हैं तो आपको ज्यादा महसूस होता है, बैठते तो पीछे कंफर्ट होता है इस कारण महसूस नहीं होता, खड़े होते तो आपको पीछे की तरफ जर्क लगता है। समझ रहे? वो क्यों लगता है? क्योंकि आप रेस्ट में थे और बस एकदम से किस में ही बेटा, मोशन में। तो आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपको कहां लेके गया, पीछे, कि आप रेस्ट में रहो, बस को आगे जाने दो चाहे। सो दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है ना, A man experiences backward jerk
जर्क व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग, जब बस क्या करती है बेटा मूव करने ही लगती है तब आदमी को पीछे की तरफ झटका लगता है, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया। और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, है ना बेटा। देखो जैसे आपने कई बार एक काम किया होगा कि जैसे कोई भी पेड़ है, पेड़ से आपने कोई भी बैर वगैरह कुछ भी तोड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि आपने जाके उस पेड़ को जोर से हिलाया, तो पेड़ को जैसे ही आप जोर से हिलाते हो उसके ऊपर जो भी बैर वगैरह लगे हुए होते हैं, जो भी फल लगे हुए होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। हवा तेज चलती है तब भी ऐसा होता है ना, पेड़ हिलता है तो फल वगैरह नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप जाके पेड़ को जोर से हिलाते हो तो आपने फोर्स किस पे लगाया? पेड़ पे, फलों पे तो नहीं लगाया। तो जो फल जो होते हैं वो किस में रहते हैं? रेस्ट में। और पेड़ किस में आता है? मोशन में। तो फल इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण पेड़ के मोशन में आने का क्या करते हैं? अपोज, और अपोज करते हैं तो उस अपोजिशन के चक्कर में वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, पेड़ मूव करना चाहता है, तो आप ऐसे सोच सकते हो दोनों की एक तरह की लड़ाई हो जाती है और फल जो वो नीचे गिर जाता है, समझ रहे हो? क्योंकि फल किस में रहना चाहता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, और पेड़ आपने मोशन में लाया तो उस कारण नीचे गिर जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं, एक एक एग्जांपल और ले सकते हैं, ए ट्री इज शेकन, ट्री को आप जोर जोर से हिलाएंगे तो फ्रूट्स ड्रॉप्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझे बेटा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण फ्रूट्स जो होते हैं वो कहां गिर जाते हैं बेटा? नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है ना, आप इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीन पोस्ट करके, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं, तो और एग्जांपल देखते हैं ना, लेट अस सी मोर एग्जांपल। एक एग्जांपल और, जैसे दीपावली वगैरह आती है तो अपनी मम्मी वगैरह अपने से क्या करती है बेटा, चद्दर वगैरह जो होती है ना उनको, वो जो पुरानी चद्दर वगैरह होती है जिनमें खूब सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो मम्मी बोलती है अपने को एक डंडा हाथ में पकड़ा देती है और बोलती है कि जो चद्दर है इसको जोर जोर से मार के, रजाई वगैरह जो भी कंबल वगैरह ब्लैंकेट वगैरह होती है उसको आप जोर जोर से मारते हो, उसको ऐसे टांग दिया जाता है और जोर से मारते हो, तो आप क्या देखते हो, जैसे आप जोर से मारते हो उसको डंडे से, उसके अंदर जो मौजूद डस्ट पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी कंबल ऐसे हैंग की हुई होती है और आप उस कंबल को जोर से मारते हो तो कंबल किस में आ जाती है? मोशन में। और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो किस में रहते हैं बेटा? रेस्ट में। इसके कारण वो कहां गिर जाते हैं? नीचे की तरफ गिर जाते हैं, समझ रहे हैं? सो दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो एक एग्जांपल और है कि इफ ए ब्लैंकेट इज बीटन, बीटन का मतलब ये नहीं कि मार रहे हैं अपन, है ना, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, डंडे से मार रहे हैं। ब्लैंकेट इज बीटन, डस्ट पार्टिकल्स कम्स आउट ऑफ इट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण जो डस्ट पार्टिकल्स है वो कहां जाते हैं बेटा? बाहर आ जाते हैं। तो दैट इज नेक्स्ट आवर, ये अपना अगला एग्जाम्पल जो है, तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, देख के। अब देखो, आप एक एग्जाम्पल या एक एक्टिविटी मैं आपको कह सकता हूं जो अपने एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है, जो अपन परफॉर्म करेंगे ना, लेट अस सी। देखो बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की एक्टिविटी है दैट वी हैव टू परफॉर्म, है ना बेटा। देखो सारे बच्चे ध्यान से देखना, जैसे मेरे पास कोई आपके घर के पास, घर में ग्लास तो होगा, पक्का एक ग्लास होगा, यू विल बी हैविंग ए ग्लास, ठीक है। स्लो मोशन में आप इसको परफॉर्म करके स्लो मोशन में रिकॉर्ड कीजिए, बहुत अच्छा आपको व्यू देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। एक्चुअल में इनर्शिया ऑफ रेस्ट का फील आपको आएगा। तो ये ग्लास आपके पास घर में, इसके ऊपर कोई भी कार्डबोर्ड, ठीक है बेटा, ताश का पत्ता या कोई भी कार्डबोर्ड या लकड़ी का हल्का होना चाहिए, ठीक है, वो आप रखेंगे, ठीक है, ये आपने रख दिया, और इसके ऊपर यू हैव प्लेस्ड इट लाइक दिस, यहां पर कार्डबोर्ड रख दिया, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर आप एक सिक्का रखेंगे, यू विल प्लेस वन कॉइन रखेंगे, ठीक है। अब आप जैसे ये कॉइन है, ये कार्डबोर्ड है, और ये एक ग्लास है, ये आपका कॉइन है, दिस इज कॉइन, दिस इज कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड है। अब आप जैसे ही इस कार्डबोर्ड को खींचते हैं, हाँ, रिमूव्ड सडनली, अब आपको बेटा ये बहुत तेजी से खींचना पड़ेगा, यू टू रिमूव इट वेरी सडनली, जैसे आप इसको एकदम से खींचेंगे तो आप ये देखेंगे कि कॉइन फॉल्स डाउन,
कॉइन फॉल्स डाउन, कॉइन इसके साथ नहीं आता, धीरे धीरे खींचेंगे तो आ जाएगा, लेकिन एकदम फास्ट खींचेंगे तो आपने फोर्स किस पे लगाया, कॉइन कार्डबोर्ड पे, तो कॉइन किस में रहा, रेस्ट में, तो कॉइन कहां गिर जाएगा बेटा, अंदर, तो कॉइन फॉल्स इनटू कंटेनर, कॉइन जो होता है वो कंटेनर के अंदर गिर जाता है, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो रेस्ट में बेटा, वो रेस्ट में रहना चाहेगा, आपने फोर्स लगाया किसको, कार्डबोर्ड को, इसको थोड़ी फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये तो रेस्ट में रहना चाहता है, तो कार्डबोर्ड चला जाए तो यही रेस्ट में रहेगा, तो नीचे कोई सपोर्ट नहीं है तो नीचे गिर जाएगा, सो दैट इज अनदर, और ये प्रॉपर्टी आप करिए घर पे ट्राई, यू विल फील दैट प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इसको भी आप सब नोट कर सकते हो, सो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में था, तो समझ में आ गया होगा कि एक बॉडी कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक बेटा, ऐसा आपके साथ भी होता है ना, कैसे बताऊं आपको, मान लो जैसे आप सबके है ना स्कूल में एक डेढ़ महीने की छुट्टी होगी, जैसे अभी सब लॉकडाउन में घर पे बैठे, तो आप लोग सुबह नॉर्मली 8:30 8:15 इस टाइम पे क्लास होती है, तो आप सब लोग मुझे पता है सब 7:30 7 ऐसे ही जगते हैं नॉर्मली सारे बच्चे, और आपके जब स्कूल खुल जाएगी तो आपको तैयार होने के लिए सीधी सी बात है 6 बजे उठना पड़ेगा, समझ रहे हो, तो आप एकदम से जान लो 2 या कुछ दिनों बाद 5 दिनों बाद स्कूल खुल गई और आप लगातार 7:30 7 बजे सो रहे हैं और आपको 5 बजे 5:30 बजे उठना पड़ेगा, तो आप एकदम से नहीं उठ पाते, समझ रहे हैं, आपको नींद मतलब आपकी आंखें नहीं खुलती ऑटोमेटिकली, क्यों, क्योंकि तुम आदत हो गई रेस्ट की, तो वो रेस्ट में रहना चाहते हो, है ना, आप अपने आप मोशन में नहीं आते, अपने आप नहीं उठते हो जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगे, बाहर से फोर्स मतलब मम्मी की डांट, पापा की डांट, भाई बहन है ना की डांट, इन सब की जब तक नहीं लगे, जब तक कोई पुश नहीं लगे, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अपने आप मोशन में नहीं आती है, सो दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो अब ये अगला टाइप है इनर्शिया का, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, समझ रहे बेटा, इनर्शिया ऑफ मोशन ठीक इनर्शिया ऑफ रेस्ट जैसा ही, कि एक कोई बॉडी मोशन में तो वो मोशन में रहना चाहिए, अपने आप रेस्ट में नहीं आएगी, है ना बेटा, जैसे इसको जब भी मैं ऐसे बोलता हूं तो बच्चों के दिमाग में ये आता होगा कि सर हमने ग्राउंड पे एक बॉल को रोल किया, वो मोशन में थी, फिर कुछ देर बाद अपने आप वो रेस्ट में आ जाती है, तो बेटा वो अपने आप रेस्ट में नहीं आती, उस पर ग्राउंड का फ्रिक्शन लगता है इसलिए रेस्ट में आती है, अगर आप किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस या स्पेस में जाके किसी बॉडी को फेंक देंगे तो बॉडी विल मूव कंटिन्यूअसली फॉर इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि वहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, समझ रहे बेटा, तो ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, समझ रहे बेटा, तो इसलिए आप अपने आप वो रेस्ट में नहीं आ सकती, तो इनेबिलिटी है उसकी कि अपने आप मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकती, रेस्ट से मोशन में जा सकती, तो इनर्शिया ऑफ मोशन, ए बॉडी इन मोशन will remain in motion this property is known as inertia of motion, इसे अपने inertia of motion कहते हैं, कि कोई body motion में है तो motion में रहे, समझ रहे बेटा, that property is known as inertia of motion, हाँ, जैसे example मैं आपको देता हूँ ना, आप सबने feel किया होगा कि जैसे कोई भी passenger है ना, मैन है, वो travel कर रहा है ना, body is traveling inside a bus, अब आपने देखा बस जब अचानक ब्रेक मारती है, समझ रहे बेटा, तो आप किधर की तरफ गिरते हो, यू लंच फॉरवर्ड, आप फॉरवर्ड की तरफ गिर जाते हो, फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हो, ऐसा क्यों होता, व्हाई डज इट हैपन, क्योंकि आप बस के साथ किस पे थे, मोशन में, अब बस एकदम से रेस्ट में आ गई और आप पे तो फोर्स लगा ही ना, आप पे थोड़ी ब्रेक लगी, ब्रेक तो बस पे लगी, तो बस को रेस्ट में आना चाहिए, आप क्यों रेस्ट में आओगे, आप पे कोई फोर्स लगा ही नहीं, तो आप तो मोशन में रहना चाहते हो, तो बस तो कहती है रुक गए, बस तो रुक जाती है, लेकिन आप आगे की तरफ चले जाते हो, समझ रहे बेटा, ऐसा खड़े होने पे ज्यादा फील होता है, बैठने पे अपने को कम फील होता है, क्योंकि बैठते समय जब बैठ जाते हैं तो अपने पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, समझ रहे बेटा, खड़े रहते हैं तो फ्रिक्शन कम होता है, तो इसलिए अपने को ज्यादा फील होता है, सो दैट इज विल रिमेन इन मोशन, तो जैसे एग्जाम्पल है ना, ए पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन ए मूविंग बस suddenly stops, जैसी वो स्टॉप होती है वो आदमी कहां को चलता है बेटा, आगे की तरफ गिरता है, समझ रहे बेटा, सो दैट इज इनर्शिया ऑफ
मोशन। तो मेरे हिसाब से कुछ कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, यू कैन नोट इट कि इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है ना। तो ये बिल्कुल ठीक, वैसे मैं आपको ये भी आप कॉमन लाइफ में एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं। जैसे आप लोग रोज स्कूल जा रहे हैं, तो रोज स्कूल जाते हैं तो आप लोगों को 5:30 या 6 बजे उठना पड़ता है, समझ रहे हैं। और जैसे ही आपको फिर मान लो संडे आ गया, तो आप पूरा मूड बना के सोचते हो कि आज मैं 7 या 8 बजे तक सोऊंगा। लेकिन क्या होता है कि फिर भी आपकी आंख संडे को जिस समय स्कूल जाने के लिए खुलती थी उस समय खुल जाती है, वो इनर्जी, क्योंकि तुम मोशन में थे तो अपने आप रेस्ट में नहीं आ सकते। फिर तुम ऐसे सर पे मारते हो, समझाते हो ए पागल मन सो जा, अभी अभी काफी टाइम है, समझ रहे, आज तो संडे है, सोने का दिन है, दैट इज द थिंग। तो वो आप उसको परसिस्टेंटली वहां भी देख सकते हो। सो दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, की एक बॉडी जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा, अपने आप बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकती, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। थर्ड टाइप इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। लेट अस से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है बेटा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है ना, दैट इज द थिंग। मोशन का ही पार्ट है, कई बुक्स में मोशन के साथ ही दिया हुआ होता है ना, उसी में लिख देते हैं, मैं अलग से बताता हूं, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, मान लो कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, डेफिनेशन लिखने से बड़े एग्जाम्पल बताता हूँ। लेटस जैसे मान लो ये अपनी कोई ट्रैक है और यहां पर कोई बस है, और बस के अंदर मान लो आप बैठे हो, यू आर सिटिंग हियर, ठीक है, बस सीधी जा रही है तो यू विल मूव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे ही मान लो यहां बस जो है वो टर्न लेती है, तो बस ने टर्न लिया, तो आप जो अंदर बैठे हो आपको फोर्स किधर लगता है, बस पहले इधर जाती है इधर जाती है, आपने देखा होगा, आप जो है बस जिस साइड टर्न लेती है उसके आउटवर्ड साइड आप पे फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि आप तो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, है ना, और आपको ऐसे लेफ्ट की तरफ बस के कारण मूव करना पड़ा, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में झुकते हो। जैसे बस में बैठे हो, पास वाले को इस समय अनकंफर्ट भी फील होता है, समझ रहे हो, कई बार आप कार में एकदम फास्ट टर्न लेते हो तब आपको ये ज्यादा फील होता है, समझ रहे बेटा। तो ये जितनी ज्यादा फास्ट टर्न होगा, जितना ज्यादा तेजी से डायरेक्शन चेंज होगा, अपोजिशन उसका उतना ज्यादा होगा। तो ये अपोजिशन जो है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण आता है, समझ रहे हो। ऐसा ही ठीक, अगर आप उल्टी डायरेक्शन में टर्न लेंगे, अगर आपका टर्न इधर होगा तो आपका जो फोर्स है बॉडी पर, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, समझ रहे बेटा, इस डायरेक्शन में लगेगा। जैसे वो एग्जांपल भी मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे मैं बात करते ही अपने पास एक रोड है ना, और एकदम से टर्न ले लिया गाड़ी ने, सडनली टर्न्स, यहां से टर्न लेती है, तो यहां पर अगर आप बॉडी जो है, आप बॉडी है, दिस इज द बॉडी, और बॉडी इधर मूव कर रही है, और जब इधर एकदम से ऐसे मूव करने लग जाती है, तो आप जो अंदर बैठे हो आप पे फोर्स किधर लगता है बेटा, इस साइड, अपोजिट साइड, क्योंकि आप चाहते हो कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाए। सो दैट इज द फोर्स विच यू फील, इट इज ऑल ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। तो ए बॉडी मूविंग इन ए डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में चल रही तो चलती रहेगी, सीधी बात होती है। अगर आप किसी बॉल को सीधा घुमाते हो, सीधा फेंकते हो, तो सीधी जाती, अपने आप थोड़ी लेफ्ट राइट हो जाती है। दैट इज ए बॉडी मूविंग इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन विल कीप मूविंग इन दैट डायरेक्शन, समझ रहे बेटा, वो उसी डायरेक्शन में मूव करती है, अपने आप वो चेंज नहीं कर सकती है। इसको स्क्रीन पोज करके आप सब नोट कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो बड़ा आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। Now let us see. देखो तो ये इनर्शिया की बात हुई। अच्छा एक बात आप मुझे बताओ, आप समझ रहे हो ना, जैसे ये इनर्शिया भाई साहब मेजर कैसे करेंगे अपन, कि किसी भी बॉडी में इनर्शिया कितना ज्यादा है ना, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, हाउ इनर्शिया इज मेजर, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया को कैसे मेजर करेंगे अपन, कि किस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा। अच्छा आप खुद मेजर कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताता हूं ना इनर्शिया क्या है, कि कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में ही रहेगी। आप सपोज मानो आपको एक बॉल, दो बॉल को रोकना है, मतलब दो बॉल का इनर्शिया ऑफ मोशन खत्म करना है,
आपके पास एक बॉल है 2 किलो की और दूसरी बॉल है 50 किलो की, तो आपको रोकने में ज्यादा अपोजिशन किसको करना पड़ेगा, मतलब मूव करते रहने की क्षमता प्रॉपर्टी किसके पास ज्यादा थी, 2 किलो वाली बॉल के पास कि 50 किलो वाली बॉल के पास। तो आपको अच्छे से फील हो रहा है कि 50 किलो वाली बॉल के पास मूव करने की प्रॉपर्टी ज्यादा थी। सिमिलर ऐसे ही होता है, तो 2 kg की बॉल होती है तो आराम से धक्का मारा मूव करने लग गई, एक 50 किलो की बॉल होती है तो उसको रेस्ट से मोशन में लाना पड़ता है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो इनर्शिया का मेजरमेंट कौन होता है, हु इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अपन लिख सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा किसी बॉडी का मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, समझ रहे बेटा, मोर मास मोर इनर्शिया, मोर मास मोर इनर्शिया, ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, समझ रहे बेटा, लेस मास लेस इनर्जी, दिस इज इट, समझ रहे बेटा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा, सारे बच्चे इसको नोट कर सकते हैं। नाउ जस्ट टेक इट, टेक आउट योर एनसीईआरटी बुक, सारे बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक खोलेंगे, ठीक है बेटा। तो पेज नंबर 118 पर एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं ना, इंडेक्स क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। मैं प्रेफर करूं, मैं बोलूंगा आपको कि क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट करें, ठीक है बेटा, पेज नंबर 118, पेज नंबर 118 क्वेश्चन आप नोट करें कॉपी के अंदर, ज्यादा सही रहता है। और फिर उसके बाद विच वन हैज मोर इनर्शिया, एक रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ सेम साइज, तो सीधी सी बात है स्टोन की डेंसिटी ज्यादा होती है तो किसका ज्यादा इनर्शिया होगा बेटा, जिसका मास ज्यादा है, तो स्टोन, क्यों, बिकॉज ऑफ मोर मास, मास ज्यादा है, ठीक है। बी बी क्या बेटा, ए बाइसिकल एंड ए ट्रेन, सीधी सी बात है किसका होगा बेटा, ट्रेन का होगा, ट्रेन ट्रेन, इसलिए ट्रेन के ब्रेक नहीं लगते आसानी से, अपनी बाइसाइकिल तो आराम से ब्रेक लग जाते है ना, चलती चलती आराम से रेस्ट में आ सकती है। फिर तीसरा के 5 रुपी कॉइन एंड ए 1 रुपी कॉइन, ठीक है, तो 1 रुपी कॉइन हल्का होता है ऑब्वियस सी बात है, तो दैट इज 5 रुपी कॉइन, 5 रुपए का कॉइन, 5 रुपी कॉइन। और क्यों होता है बेटा, सेम बिकॉज ऑफ मोर मास। तो ये जो मैंने आपको लास्ट में प्रॉपर्टी बताई कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वो कहां काम आ रही है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड है, वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए अपन 1 ही करते हैं, सेकंड और थर्ड अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।